राजी, वो मैंने तुमसे कहा था ना। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। क्या ये ऐसे तैयार होते? ज्योति, अगर ये हमारे साथ आई तो क्या लगेगा कि ये हमारी बहू है? मम्मा, आप मुझसे तो ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है, वरना ये कहेगी कि मैं हमेशा इसकी बुराई करती रहती हूँ। नहीं ज्योति दी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस करो राजी, बहस मत करो, जाओ जाके साड़ी बदला, अच्छी साड़ी पहनना और जरा जल्दी करना। रहने दो मामा, वरना इसके जज्बातों को ठेस पहुंचेगी। मुझे तो लगता है कि ये साड़ी इसकी मम्मी ने इसे दी है। अच्छा, क्यों राजी? जी मम्मी जी। ए रब्बा, अब क्या कर सकते हैं? इन जज्बातों के चक्कर में हमारा स्टेटस, रुतबा सब तो दांव पर लग गया ना। मामी जी, अगर आपको पसंद ना आई हो तो मैं चेंज कर लेती हूँ। प्लीज बेटा, और कुछ ऐसा पहनना जो हमारे खुराना स्टेटस को सूट करे। जी मामी जी। और हाँ राजी बेटा, एक काम करो, जो भी पहनना चाहो ना, पहले मुझे एक बार दिखा देना। जी मामी जी। लो जी, सब तैयार हो गए क्या? हाँ, ये राजी पुत्र के अंदर कुछ लेने गई है? नहीं जी, तैयार होने गई है। तैयार होने? ये तो ऐसी इतनी सोनी लग रही है। जो बात आपकी समझ में नहीं आती ना, उसमें आप टांग मत अड़ाया करो। मामी जी, इनमें से कोई पहन लो। ये अच्छी है, ये पहन लो और जरा जल्दी करना। जी। मैंने कहा जी दुर्गा, ये परेड क्यों कर रही हो? हैं, बैठ जाओ, थक जाओगी। परेड नहीं कर रही हूं मैं, आपकी बहू परेड करवा रही है। अभी तक तैयार नहीं हुई, कितना वक्त हुआ? अच्छा जी, खुद तो डेढ़ डेढ़ घंटा लगाती हो। तब कुछ कहा आपने? हैं जी? हाँ, वो मैं कह रहा था, वो भाई वीणा कहाँ रह गई है? हैं, अभी तक तैयार हुई कि नहीं? वीणा पुत्र मंदिर गई है, प्रसाद चढ़ा के वहां सीधी पहुंचने वाली है। बड़ी अच्छी बात है। देखो जी, ऐसा है, वो जीत तैयार हो रहा है, वीर उसको तैयार कर रहा है, जब तक वो तैयार होगा राजी भी आ जाएगी। मैं गाड़ी निकालता हूँ जी। अरे राजी पुत्र, जल्दी करो, देर हो रही है। अरे कहाँ रह गई तुम? मम्मी जी, चलिए। ठीक है, एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? वो मम्मी जी यहाँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सारे गिफ्ट्स गिरा के सत्यानाश कर दोगी क्या? मम्मी जी, आपको रिंग दिखानी है ना। क्यों, मैंने कभी रिंग नहीं देखी? वो तो मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया कि कहीं वो रिंग छूट ना जाए। और दूसरी बात, उसे संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी कीमत तो तुम्हें पता ही है ना? और शायद जितने गहने तुम अपने मायके से लाई हो ना, उन सब पर भारी है ये रिंग। ज्योति तुम भी ना, अब चलो भी। हा? अरे अरे, अब ये क्या तुम मेरे सर पे रखोगी? ज्योति देखना तो, मेरी साड़ी की क्रीज तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है मामा। क्या लग रहे आप। चलो चलो।
चले। अरे बम, आरती की थैल तैयार है? डी पर दीदी। अच्छा, ये शगुन का सामान है, इसे संभाल के रखना। हा? और वो गिफ्ट्स कहाँ गए जो देने हैं? ओहो पर दीदी, टेंशन मत लो, वो ऊपर तमरे में है। बम, तमरे में क्या कर रहे हैं, लेके आ जल्दी कर। ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन, बाद में ले आना। हा? लाऊ ते नहीं लाऊ, बाद में ले आना ना, वो शगुन की अंगूठी है, वो लेके आ जल्दी कर। ठीक है, दो मिनट। हाँ संभल के। किचन का काम तो सारा खत्म हो गया। मासी आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आप बम रेडी हो गए तैयार एकदम टिच। थोड़ा परफ्यूम भी लगा लिया। फुसफुस तू भी लगा थोड़ा। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? मासी देखिए ना, लेडीज परफ्यूम। अरे कश्मीरानी, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? जी मैं तो आपको सिखा रही हूँ। सिखा रही है मेरे को है? वाह वाह वाह, चलते हैं वो हमसे तेवर बदल बदल के, सिखाया जिसको हमने चलना संभल संभल के। अच्छा जी, वाह तू तो बस शायर ही हो गया है। मासी ये तो लेडीज परफ्यूम का कमाल है। ओए पाम। आफ भी ना। मैं क्या मल्होत्रा साहब, खुशियों का माहौल है हैं जी, हम भी आ गए खुशियों में शामिल होने। खुराना साहब, आरती की थाल ले आ। अरे आइए आइए खुराना साहब, आइए आइए। बढ़िया रौनक लगी हुई है। मैं अभी आई। शर्माता है? अच्छा तो भी ना, क्या बात है, माही बड़ी प्यारी लग रही है ना? हाँ। सोनी तूने क्यों माही जैसी ड्रेस पहन रखी है? अरे वो दी क्या है दी, दरअसल ना हमें मिलती जुलती ड्रेसेस पसंद आ गए तो मैंने सोनी से कहा पहन लो। झूठ क्यों बोल रही है, तूने तो कहा था कि तेरे होने वाले वो चाहते हैं कि तू ये वाली ड्रेस पहने। फिट्टे मुंह, सारे शहर में ढिंडोरा पीटती। अच्छा जी ये बात है, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? आए है, अभी से होने वाले वो की पसंद का इतना ख्याल है दी? आप भी ना, और क्या क्या कहा है आपके होने वाले वो ने दी? माही सोनी कहाँ हो तुम दोनों, यहाँ बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। चल अपने होने वाले वो का थोड़ा और ख्याल कर, उनसे और इंतजार मत करवा। क्यों चले? चल गुड पॉइंट बल्होत्रा साहब। आप कुछ लीजिए ना दुर्गा बहन। नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ज्योति पुत्र ठीक है? वो भी बिल्कुल ठीक है। और तू शादी कब कर रहा भाई? भाई हाँ जी, भाभी को गए हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हो गई? ओए बेसब्री तेरे को अपनी वाले के लिए हो रही है, नाम भाभी का लगा रहा? नहीं भाई मैं तो कोई बात नहीं, होता है होता है। चल पुत्र तेरा ये इंतजार भी खत्म कर दे। वो देख Mm-hmm.
देखो मैंने तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनी है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जो मुझे खुशी दी है उसके बदले मैं जिंदगी भर तुम्हें खुशियां देने की कोशिश करूंगी। तुम मिल गई हो मुझे, सारे जहां की खुशियां मिल गई। वाह जी वाह, अब हीरो भी यहां पे है, हीरोइन भी यहीं पे है। दिल तो दोनों के पहले ही बदल चुके थे, अब अंगूठियां भी बदल लो। बम खेत का। हाँ। तला भी तला। चलो बेटा जीत के पास। अपना क्या मठा मठे लिया भाई, लिया अंगूठी लिया। पुत्र बनाऊ गुठी। लो देख लो, यहां तक पहुंच के शर्मा रहा है। बनाओ अंगूठी बनाओ। सगाई की इतनी जल्दी क्या है, जब भूख लगी हो तो उसे और बढ़ने देना चाहिए, फिर तो खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। सोनी दी, आपको खाने के सिवा कुछ सूझता नहीं है। हाँ तो मैं कुछ कह रही थी ना, हाँ कि भाई सगाई की इतनी जल्दी क्या है, पहले इन्हें थोड़ा और तरसाते हैं, तड़पाते हैं, और इन दोनों के लिए तो बहुत खुशी का मौका है, तो हमें भी तो खुश होने का मौका मिलना चाहिए। प्रेम, ये तो क्या बात है, तू मुझे यहां क्यों ले आया? भाई ये
ये सब क्या मजाक है? मजाक? वो मजाक क्या है इसमें? हम यहाँ तेरी सगाई करने के लिए आए और बाहर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसे मजाक वाली बात कहाँ से आ गई? अच्छा समझा, तो मेरे दूल्हे राजा इसलिए नाराज हैं क्योंकि सगाई में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये नाच गाना तो बाद में भी होता रहेगा ना, ठंड रखो है। नहीं भाई वो बात नहीं है। नहीं तो फिर क्या बात है भाई? वो सगाई की रस्म के लिए सोनी की बहन को क्यों आगे किया गया अंगूठी पहनाने के लिए? मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं है। ओए मजाक तो तू कर रहा है। अरे माही को ही तो चाहता है ना तू, उसी से तो शादी करना चाहता है ना, इसीलिए तो माही से शादी की बात चलाई है। नहीं भाई एक मिनट, राजे की बहन से शादी की बात थी ना? हाँ लेकिन माही से नहीं। तू, तेरा मतलब है तू सोनी से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है? हाँ भाई